जंग का ऐलान है, युद्ध है साक्षरता का, एक हथियार कलम है, एक हथियार किताब। जंग का ऐलान है, युद्ध है साक्षरता का, हर मुश्किल हर हाल में आगे बढ़ना है, संपूर्ण साक्षरता का स्वप्न साकार करना है। जंग का ऐलान है, युद्ध है साक्षरता का, आओ एक आवाज जगाए, साक्षरता की अलख जगाए, अक्षर अक्षर ज्ञान का सागर, अक्षर अक्षर सुर सजाए। शाबाश साथियों, शाबाश साथियों। सुबह ठीक 4 बजे जब मैं अपनी टीम के साथ दिल्ली से श्रीनगर के लिए चला था, तो समय का हिसाब किताब लगाया था कि करीब 2 बजे तक श्रीनगर पहुंच जाएंगे, और अभी 2 बजने ही वाले हैं। देख लीजिए मेरा अनुमान कितना सही है। हाँ, श्रीनगर को लेकर मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, ये श्रीनगर कश्मीर वाला श्रीनगर नहीं, बल्कि हरिद्वार जोशी मठ के रास्ते पर उत्तरांचल का श्रीनगर है। अलकनंदा नदी के तट पर बसा हुआ खूबसूरत श्रीनगर। बद्रीनाथ केदारनाथ जाने वाले यात्री रात होने पर श्रीनगर में विश्राम के लिए रुकते हैं, मगर मेरा मकसद इस समय तीर्थ यात्रा का नहीं है। हाँ, ये बात दूसरी है कि जिस मिशन पर इस वक्त मैं अपनी शूटिंग टीम के साथ सफर पर हूँ, वो अपने आप में किसी तीर्थ यात्रा से कम नहीं है। जी हाँ, कम से कम मेरा तो ऐसा ही मानना है, और मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि मेरे मिशन को जानने के बाद आप भी मेरे इस कथन से सहमत होंगे। श्रीनगर के इन खूबसूरत नजारों के बाद आइए यहाँ से करीब 12 किलोमीटर दूर पहाड़ की ऊंचाई पर बसे ढिकाल गांव चलते हैं। श्रीनगर के साक्षरता कर्मियों का कला जत्था गढ़वाल के दूर दराज के विभिन्न गांवों में साक्षरता को लेकर वातावरण निर्माण की प्रक्रिया में पूरे समर्पण भाव के साथ लगा हुआ है। गुजरे हुए वर्षों में इस कला जत्थे की सक्रियता आज की अपेक्षा कहीं अधिक थी, मगर ये कला जत्था समय समय पर आज भी अपनी प्रस्तुतियां देता रहता है। गीत संगीत और लोक नृत्यों को अपना प्रस्तुति माध्यम बनाए हुए इस कला जत्थे के संयोजक राकेश भट्ट के पास हमें बताने के लिए बहुत कुछ है। हमारा गीत संगीत, हमारी लोक संस्कृति इतनी सशक्त माध्यम है किसी भी बात को पहुंचाने के लिए जन सामान्य तक, कि उस बात को हम सामान्य भाषा में पहुंचा नहीं सकते हैं। और हम सब लोगों ने यह प्रयास किया कि समाज के और अपनी संस्कृति के बीच के कुछ ऐसे टुकड़े उठा करके साक्षरता के गीतों में हमने उनको ढाला, और उसी पैटर्न पर साक्षरता के गीत, नाटक, नृत्य, ये सारी चीज़ें जब हमने तैयार की और गांव-गांव में जा करके जब हमने इनको परफॉर्म किया, तो एक इतना सुंदर वातावरण देखने को मिला साक्षरता के प्रति कि शायद ही कभी किसी भी चीज के लिए या किसी भी प्रेरणा के लिए ऐसी कोई बात सामने आई हो या ऐसा कोई वातावरण तैयार हुआ हो। जा
गांवों में साक्षरता के प्रति हमने ये महसूस किया कि काफी कार्यक्रम के बाद काफी चेतना लोगों में आई और काफी इच्छा मन में पैदा हुई कि काश कि ऐसा कोई हमें सिखाता। और हमने यह भी महसूस किया उस बीच कि जो लोग किसी कारण से निरक्षर रहे हैं उनके मन में एक तरह का संकोच और कुछ दुख जरूर था कि अगर हम साक्षर होते तो शायद आज हम जहाँ पे हैं वहाँ से बहुत आगे बढ़ते। हम साड़ी बनारसी हाथ मघड़ी गोलम लोकेट है मेरी तड़ी, साड़ी बनारसी हाथ मघड़ी गोलम लोकेट है मेरी तड़ी, साड़ी बनारसी हाथ मघड़ी गोलम लोकेट है मेरी तड़ी, साड़ी बनारसी हाथ मघड़ी गोलम लोकेट है मेरी तड़ी, बैंगे ले जरी डाका न जाली बूटे अंगूठे निशाने लगाली, बैंगे ले जरी डाका न जाली बूटे अंगूठे निशाने लगाली, बूटे अंगूठे निशाने लगाली, बूटे अंगूठे निशाने लगाली। जिंदगी एक कठिन जिंदगी है, यहां परिश्रम अधिक है और आय के साधन बहुत ही सीमित। खास तौर पर महिलाओं को तो यहां अपनी घर गृहस्थी चलाने के लिए रात दिन व्यस्त रहना पड़ता है। काम करने वाले हाथ दो होते हैं और करने के लिए बहुत कुछ। पर्वतीय क्षेत्रों में जो हमने कार्यक्रम प्रारंभ किए, यहां की स्थिति मैदानी क्षेत्रों से अलग है, भौगोलिक स्थिति अलग है, सामाजिक आर्थिक स्थिति अलग है, और सबसे बड़ी जो बात है वो महिलाओं में निरक्षरता ज़्यादा है और उन्हीं को सबसे कम मतलब समय है। यहाँ की अर्थव्यवस्था की वो धुरी हैं, श्रम शक्ति की जो है धुरी हैं, सारे काम सुबह से लेकर शाम तक। वो एक यहाँ का परंपरागत गीत भी है कि सरा बस ग्याल बोण माँ रूढ़ी कुटुण माँ झोड़ पीसी बीते ना म्यारा सदनी इन्हीं दिन रहना। हर ऋतु में किसी न किसी प्रकार की व्यस्तता है, किसी न किसी प्रकार का कार्य है, और वही महिला जो लक्ष्य समूह हमारा टारगेट ग्रुप है वही निरक्षर है, उसी को लाभान्वित करना है, उसी के लिए कार्यक्रम चलाने हैं। अनपढ़ ते बेनो साक्षर बनो ला, अनपढ़
काम का बोझ चाहे कितना भी क्यों ना हो, पढ़ाई लिखाई के बिना तो जिंदगी नहीं चलेगी। एक निरक्षर अंगूठा छाप जिंदगी भी कोई जिंदगी है क्या? काश माँ बाप ने बचपन में ही उन्हें पढ़ाया होता, काश वो भी नौकरी के लिए परदेश गए पिया को चिट्ठी लिख सकती, शहर से आई पिया की पाती पढ़ सकती, काश कि वो साक्षर होती। पर्वतीय नारी की इसी व्यथा को कला जत्थे की उत्साही कलाकार सारिका अपने गीत में बखूबी बयान करती हैं। गांव का एक अलग माहौल होता है, कुछ खास समस्याएं होती हैं। इसी कारण ये जरूरी हो जाता है कि गांव में कला जत्थे का कार्यक्रम चलाते हुए बीच बीच में आपसी विचार विमर्श होता रहे, साथ ही अपने साथियों का उत्साह बनाए रखना भी जरूरी होता है। और इन सब के पीछे मुख्य मकसद सिर्फ एक, और वो है आम से आम आदमी के बीच साक्षरता के पक्ष में वातावरण का निर्माण। वातावरण निर्माण का तात्पर्य है कि जो निरक्षर लोग हैं उनमें साक्षरता के लिए एक ललक पैदा हो और वो पढ़ने के लिए अभिप्रेरित हो सकें। इसके अतिरिक्त जो समाज के शिक्षित वर्ग हैं उनको इस कार्यक्रम के प्रति संलग्न करना, वो इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता बढ़ा सकें, यह भी वातावरण निर्माण का एक कार्य है। वातावरण निर्माण किसी भी कार्यक्रम को चलाने के लिए बहुत आवश्यक होता है और यह निर्माण जो है हमारे सफलता की एक कुंजी है। जब हमने जत्था शुरू किया गोपेश्वर से तो काफ़ी उसमें हमें दिक्कतें भी आई, कई जगह पे काफ़ी अच्छा भी महसूस हुआ, और दिक्कतें गांव के स्तर से नहीं थी, लोगों के स्तर से कोई दिक्कत नहीं थी। दिक्कतें जो यातायात के साधन नहीं थे, कहीं पे रहने का नहीं था, कहीं पे लोगों को भोजन देने में दिक्कत होती थी कि दूर का क्षेत्र था, हम लोग रात पहुँच पाते थे। और हमने उस बीच 6,000 फुट से लेकर 11,000 फुट की ऊँचाई तक के गाँवों में कला जत्था निकाला और वहाँ पे हमने लोगों को साक्षरता के मैसेज दिए। अरे सो गे, तबीयत खराब हुई थी, रागित खोका है हमा आचर क्या है दी, तबीयत खराब हुई थी इधर क्या वाला दी, तबीयत खराब हुई थी, तबीयत खराब हुई थी कौन को दासिस थी गे बॉर्ड रची दी थी अगन को दी दीरा स्कूल स्कूल हजार तबीयत बेकार स्कूल थी स्कूल दी लबे हमा हमेशा स्कूल अगन लबे चीज दी किनारे दी थी।
ते हुन तिगे भटे दे कि ओगड़ बडा दे तुझे दुजारा नुन छी हार दे मैं खुट्टी खा जा चंगा के ओगड़ भी मिल गति दिदार दो हां सिते की मैं वाचे धनी बाबा क्रिंग क्रॉन ग्राम वासियों को साक्षरता के लिए प्रेरित करने के साथ साथ ये भी जरूरी है कि उन्हें सामाजिक कुरीतियों और अंधविश्वासों से दूर रखा जाए, विभिन्न प्रस्तुति माध्यमों से उन्हें सावधान किया जाए और ऐसे में छोटे छोटे नुक्कड़ नाटक अपना खास प्रभाव छोड़ते हैं। कपड़ा गुची और तिग दागुची और रुकिए, ये क्या हो रहा है यहाँ पर? एक बच्चा बीमार है और आप इस ढोंगी के चक्कर में पड़े हैं, ये क्या कर लेगा यहाँ पर? नन खेल संगन की बताता, इनके बस का कुछ नहीं है, निकलो यहाँ से। आप इस परिवार के बुजुर्ग लगते हैं, आप इस ढोंगी के चक्कर में कैसे पड़ गए? समझदार भी लगते हैं आप, जाइए किसी डॉक्टर को बुलाइए, कुछ नहीं हुआ है बालक को। देखो मसाण लाते हैं, मसाण वसाण कुछ नहीं होता है, किस समाज में रहते हो आप? जाइए किसी डॉक्टर को बुला के लाइए। दीदी चेरी डॉक्टर बैठे रहता। हाँ जाओ। देश में घर बेटियां मायूस हैं नाशाद हैं, देश में घर बेटियां मायूस हैं नाशाद हैं, दिल पे रख कर हाथ कहिए देश क्या आजाद है, दिल पे रख कर हाथ कहिए देश क्या आजाद है, देश में घर बेटियां मायूस हैं नाशाद हैं, दिल पे रख कर हाथ कहिए देश क्या आजाद है। मांगल यहाँ का एक लोक परंपरागत वो है और उसमें गीत जो मैंने लिखा है उसमें सबके लिए शिक्षा उसका संदेश हमने पिरोने की कोशिश की है कि सुना भाई बंदो ये बात सुनियाला, सब थे पढ़ा को परण करेला है। इसमें एक विशेष लाइन है पंक्ति जिसे मैं यहाँ पे कोट करना चाहूँगा कि उसको गा के आपको सुना रहा हूँ। बचाराला म्यारात ग्वेर चराला विनी बिसरी बात अनपढ़ जुरालात कनु क्वे की खाला है। इस गीत में जो एक संदेश है उसमें ये बात उजागर हुई है, ये चीज़ देने की कोशिश की गई है कि पहले एक कहावत यहाँ थी कि भाई बेटे बच्चे बचे रहेंगे इतना ही बहुत है, वो डंगर चरा लेंगे, लेकिन अब है विनी बिसरी बाता, ये बात अब जो है अप्रासंगिक हो गई है। भाई बंदो
कला जत्थों का यहाँ पर जो विभाग ने ये कार्य किए, इसमें जिस तरह से नृत्य नाटिकाएँ हैं और कठपुतली नृत्य हैं और लोकगीत हैं, लोक नृत्य हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें जो हैं यहाँ के उत्तरांचल के जनजीवन में रची बसी हैं, और इनके चूँकि मीलों दूर तक यहाँ पर सड़कों की अभी भी व्यवस्था की कमी है, इसलिए इस प्रकार का जो प्रचार प्रसार का एक ही तरीका है कि उन ग्रामीण क्षेत्रों में जाने के लिए कि रात्रि को जब महिलाएं आती हैं, जो अशिक्षित महिलाएं हैं, उन तमाम या शिक्षित बच्चे हैं या शिक्षित प्रौढ़ बुजुर्ग हैं, उनको इन कार्यक्रमों के माध्यम से एक बहुत अच्छा प्रभावी कार्यक्रम ये सिद्ध होते हैं। श्रीनगर कला जत्था विगत एक दशक से इन पर्वतीय अंचलों में विशेष रूप से लोकप्रिय रहा है। कलाकारों का अपने साक्षरता अभियान के प्रति समर्पण भाव होने से ग्रामीण इलाकों के नारी वर्ग में जागृति आ रही है। अब यहाँ कोई भी निरक्षर नहीं रहना चाहता। कम से कम जरूरत भर की पढ़ाई लिखाई तो सभी के लिए जरूरी है। इसी संकल्प भावना के साथ गांव की महिलाएं नियम से केंद्र में आती हैं। यहां वो सिर्फ का से कमला ही नहीं सीखती, बल्कि जीवन को सही ताने बाने से बुनना भी सीखती हैं। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि यहाँ के इस पर्वतीय क्षेत्र में कला जत्थे की भूमिका को देखते हुए हम सबको एक साथ इन समर्पितों को शाबाशी देनी चाहिए? शाबाश साथियों, शाबाश। Yeah, I think I like